हाय नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो डॉक्टर जाकिर नायक साहब के एक बयान के ऊपर है, जो उन्होंने नोरा फतेही हैं उनकी एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट में दिया था। नोरा फतेही ने बोला था कि डांस इज हेवन फॉर मी एंड आई विल नेवर स्टॉप डांसिंग टिल माई डेथ। तो और वैसे हम सबको पता है कि नोरा फतेही जो है वो डांस करती हैं। तो इन दिस स्टेटमेंट शी हैज मेंशन दैट फॉर हर डांस इज लाइक हेवन एंड शी विल कंटिन्यू डांसिंग टिल द लास्ट डे ऑफ हर लाइफ। तो इसमें डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने क्या कहा, उन्हें क्या जवाब दिया, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो पे लास्ट तक, बिकॉज उसके बाद में एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बयान में क्या था, क्या फैक्ट थे, क्या अच्छा अच्छी बातें थी, क्या बुरी बातें थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। بسم الله الرحمن الرحيم मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूजिक के लिए या वॉइस मॉड्यूलेशन ऐसे कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते, डांस एंड म्यूजिक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है? और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ देयर इज जेनेटिक्स जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स एक, अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फायदा भी उठा सकते हैं, गलत भी। वो हुनर की कई चीजें हो सकते हैं, उससे आप एथलीट बन सकते हैं, उससे आप अच्छे काम कर सकते हैं, उससे आप डांसिंग भी कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे। कोई बोला क्या मुझे अच्छी मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूं तो मैं चोरी करूंगा। हाथ की सफाई से हम अच्छे काम भी कर सकते हैं ना, हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते, उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते। तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है, इस्लाम में वो चीज जो आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जाती है वो हराम है, क्योंकि इस्लाम में मानते हैं हमारे खवातीन, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न सोसाइटी इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, एक्चुअली दे आर डिग्रेडिंग द वुमेन। इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन दे आर डिग्रेडिंग टू अ स्टेटस ऑफ मिस्ट्रेसेस, कॉन्क्यूबाइन्स, सोसाइटी बटरफ्लाइज विथ हिडन बिहाइंड द कलरफुल स्क्रीन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। वेस्टर्न सोसाइटी कहती है कि हम खवातीन को बढ़ावा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, वो उसूलन क्या कर रहे मीडिया के जरिए, इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे, वो खवातीन को जलील कर रहे। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप जो कह रहे मॉडलिंग, मॉडलिंग क्यों करते ऐड के लिए? एक बहुत फेमस ऐड है, जो ऐड है बीएमडब्ल्यू का, आपने सुना होगा बीएमडब्ल्यू के बारे में, जो गाड़ी है जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, वो मर्सिडीज के लेवल की है, मर्सिडीज का स्टेटस है, बीएमडब्ल्यू का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है। उसके अंदर एक एड में, एक मशहूर एड के बारे में मुझे एक शख्स ने कहा कि बीएमडब्ल्यू की मशहूर एड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है, लड़की खड़ी है बिकनी के साथ, और वो एड के आगे लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको घुमाओ, किसको, लड़की को क्या गाड़ी को। तो इस एड के जरिए, ये एड हमारी खवातीन, हमारी वालदा, हमारी बहन, हमारी बीवियों को बेच रहा है,
मैं पूछता हूँ, गाड़ियाँ अक्सर आदमी चलाते, खवातीन थोड़ी, फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरिए, ये डांसिंग के जरिए खवातीन की नुमाइश हो रही है, तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन वो क्या कर रहे, वो खवातीन को जलील कर रहे। इसीलिए इस्लाम में, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम खवातीन की इज्जत करते और हिजाब में मानते हैं, इसीलिए हम हमारे खवातीन की नुमाइश नहीं करते। इसीलिए खवातीन का सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख सकता है। इसीलिए ये डांसिंग और मॉडलिंग कुरान हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इस्लाम में खिलाफ है। कि इस्लाम जब इतना अच्छा मजहब है, तुम देखते मुसलमान गलत काम क्यों करते? हम देखते मुसलमान दहशतगर्दी करते, मुसलमान चोरी करते, क्यों? ये गलत फहमी है। इसकी अहम वजह है कि जिस तरीके से मीडिया इस्लाम को पेश करती है, उस तरीके से गैर मुसलमानों के जहन में मुसलमान के बारे में पिक्चर पेंट होता है। जिस तरीके से वो मीडिया में दिखती है, उस तरीके से उनका जहन बनता है मुसलमान कैसे लोग हैं। मेरे नजदीक इस गलतफहमी की जिम्मेदार है मीडिया, क्योंकि मीडिया क्या करती है, मीडिया दे पिक अप द ब्लैक शीप ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड दे पोर्ट्रे एज दोज एग्जेम्पलरी मुस्लिम। वो क्या करती है कि जो मुसलमान जो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, इस्लाम का कहना नहीं मानते, उस मुसलमान को मीडिया पेश करती है इस तरीके से जैसे वो एक आम मुसलमान है। और अब अक्सर देखेंगे मीडिया में जब रिपोर्ट्स आते, जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट करती है, मिसाल के तौर पे आपको बताया कि 1995 में ओक्लाहोमा बॉम्बिंग जब हुआ था, जो सबसे खतरनाक अटैक 9/11 के पहले जो अमेरिका में हुआ था, इससे 150 से ज्यादा लोग की हत्या हुई थी, हेडलाइंस था पेपर में, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी कई हफ्तों तक। उसके बाद पता चलता है कि 2 अमेरिकन सोल्जर्स उसके जिम्मेदार थे, फिर आता है एक बार पेपर में, बाद में वो न्यूज गायब। इतना बदनाम कर चुके मीडिया हफ्तों तक कि मुसलमान ने किए, पकड़ा जाता है दोषी था क्रिश्चियन, एक बार दो बार न्यूज में आता है, वो न्यूज गायब। हम पढ़ते न्यूज पेपर में इंडिया के, ये हैदराबाद में एक 50 साल का अरब मुसलमान 18 साल की लड़की से शादी किया, हेडलाइंस। दूसरी न्यूज, 50 साल का गैर मुसलमान 6 साल की लड़की का बलात्कार करता है, जिना बिल जबर, आता है न्यूज ब्रीफ में। न्यूज ब्रीफ छोटा सा आर्टिकल। तो जिस तरीके से मीडिया पेश करती है इस्लाम को, उस तरीके से गैर मुसलमान का जहन बनता है। और जैसे मैं कहा कि दे पिक अप द ब्लैक शीप ऑफ द कम्युनिटी एंड दे पोर्ट्रे द एग्जेम्पलरी मुस्लिम, वो ऐसे मुसलमान को चुनती है जो गलत काम कर रही है और ऐसा बताती है कि आम मुसलमान गलत है। अगर आपको जानना है इस्लाम के बारे में, सबसे बेहतरीन है कि जाने इस्लाम की बुनियादी किताब से, कुरान और सही हदीस से। मिसाल के तौर पे अगर आपको जानना है कि एक लेटेस्ट मर्सिडीज कार है 600S 2011 मॉडल, 2011 की मॉडल है, आपको जांचना है कितनी अच्छी कार है, उस कार में स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठता है ऐसा इंसान जो ड्राइविंग जानता ही नहीं और वो कार को ठोकता है, मैं ये पूछना चाहता हूं कौन जिम्मेदार है, कार जिम्मेदार है कि ड्राइवर जिम्मेदार है? आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, किसे कसूरवार ठहराएंगे, कार या ड्राइवर? ड्राइवर। आपको जानना है कार कितनी अच्छी है तो उसके स्पेसिफिकेशन देखो, उसका गियर रेशो क्या है, उसका पिकअप क्या है, उसका फ्यूल एवरेज क्या है, उसके सेफ्टी मेजर्स क्या है, कितने एयरबैग्स है, फिर आपको पता लगेगा वो कार कितनी अच्छी है। इसी तरीके से इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, कुरान हदीस पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। अगर आपको एक्चुअली टेस्ट ड्राइव करना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है, तो आप स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक एक्सपर्ट ड्राइवर को बिठाएंगे, फिर आपको पता चलेगा ये कार कितनी अच्छी है। उसी तरीके से अगर आपको देखना है मिसाल एक मुसलमान की, सबसे बेहतरीन मिसाल है हमारे आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा ये इस्लाम कितना अच्छा मजहब है।
अच्छा सबसे पहले तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद नोरा फतेही ने बोला है कि डांस इज माई सॉरी कि नोरा फतेही ने बोला है कि डांस इज हेवन फॉर मी एंड आई विल कंटिन्यू डांसिंग टिल द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं था. एक लड़की है जो कि साइकोलॉजी पढ़ रही है और उसने ये क्वेश्चन पुट किया था कि अगर जैसे कि नॉन इस्लामिक लोग भी होते हैं, उन लोगों को पैशन होता है डांस का या मॉडलिंग का या हर किसी का होता है ना, कि कभी भी कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी देख लेते हैं तो बोलते हैं कि यार मैं भी मिस यूनिवर्स बन जाऊं, मैं भी मिस वर्ल्ड बन जाऊं. तो सेम वे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, शी इज साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट, तो उन्होंने सेम चीज पूछी थी कि मतलब अगर किसी में ये स्किल है और दे वॉन्ट टू इनहेंस देयर स्किल, हिज और हर स्किल इन इस्लाम, दे आर नॉट अलाउड टू ऑप्ट सच प्रोफेशन जिसमें उन लोगों को अपना मतलब बॉडी रिवील करना पड़े. तो ये उस लड़की ने पूछा था नोरा फतेही का, इसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं था. तो दैट्स आई डोंट नो, मैंने सिर्फ टाइटल पढ़ा तो टाइटल को देखकर मैंने सोचा कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा बोला होगा और उसी के ऊपर उन्होंने ये वीडियो बनाया है, तो ऐसा नहीं है. और इस वीडियो में जो जाकिर साहब ने मेंशन किया है कि मतलब Is the driver who takes the car to the wrong destination. तो अगर हम लोगों को इस्लाम के बारे में पता करना है, ज़्यादा जानना है, तो we should contact to the right person जो हम लोगों को उसके बारे में सही चीज़ें बता सके, उसका actual origin क्या है और क्या content है कुरान का, क्या वो message देना चाहते हैं. But ये fact है to be very honest कि इस्लाम या मुस्लिम्स का नाम जब आता है तो बंदा सबसे पहले उसके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर आ जाती है. इवन जब मेरी फ्रेंड ने मुझे सुजेस्ट किया था कि मैं रिएक्शन वीडियोस बनाऊं इस्लामिक वीडियोस के ऊपर, तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उससे यही था कि बाय चांस अगर बोलते हुए मेरे मुंह से कुछ गलत प्रोनंसिएशन हो गया कि उनका कोई नाम है किसी पैगंबर का, कोई मैसेंजर का, या होली कुरान के बारे में, या कुछ भी ऐसा मिस प्रोनंसिएशन हो गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग मुझे ऐसे ट्रोल करना शुरू कर दें या कुछ ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दें. तो ही इंश्योर्ड मी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टार्ट मेकिंग द रिएक्शन वीडियोज एंड यू आर 100% गोइंग टू हैव द पॉजिटिव रिस्पॉन्स. एंड रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक्स टू ऑल माई लवली ऑडियंस कि मैं बोलूँगी कि आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत अच्छे कॉमेंट्स आते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो. जब भी अगर मैंने कभी पूछा भी है कि इस चीज़ का क्या मायने हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने अपने एक पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि होली कुरान जो है वो उसे हम कुरान बोलते हैं कुरान पाक, बिकॉज मैंने कुरान भी सुना है कुरान पाक भी, तो आई वॉज बिट कन्फ्यूज कि दोनों एक ही है, बिकॉज इससे पहले वाली जो वीडियो था उसमें ये भी मेंशन था कि जो मस्जिद नबवी है उसमें उसकी लाइब्रेरी में दे आर मैनी होली बुक्स कुरान. तो उसका भी आप लोगों ने मेरा डाउट क्लियर कर दिया था कि इट्स नॉट द होली मैनी कुरान्स, बट उसके वर्जन्स हैं या उसकी कुछ अलग उन्होंने स्पेसिफिक अलग चीज़ें जो मैनुअली बाद में लिखी गई हैं. कुरान एक ही है जो कि अल्लाह की अल्लाह के द्वारा इस दुनिया में भेजी गई है. तो वो मेरा डाउट क्लियर हो गया था. और तो इसीलिए अगर हम लोगों को कोई सही गाइडेंस लेनी है तो वी शुड कॉन्टैक्ट टू द राइट पर्सन, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट सोशल मीडिया इज वन ऑफ द यू नो रेडीली अवेलेबल सोर्स मैं बोलूँगी, जिसमें सब लोग को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उनसे, कोई भी न्यूज़ लीक होती है अगर वहाँ पर जो भी चीज़ अपडेट होती है तो सब लोग वही पढ़ते हैं, देन लोग वैसा ही माइंड बना लेते हैं कि अच्छा इस बंदे ने ये किया है, इस कम्युनिटी ने ये किया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया. तो बट एक्चुअली उसका फैक्ट क्या होता है, कहाँ जाएंगे, कहाँ से पता करेंगे, खुद तो वो बंदा उस जगह पे जाके पता नहीं करेगा. तो इसलिए ये सारी मिस गाइडेंस की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है. तो इसमें उन्होंने यही मेंशन किया है कि जो BMW वाला इन्होंने मेंशन किया था एड का, वो तो हम लोगों ने भी देखा था और उसको देख के यही था. ये चीज़ तो मेरी खुद फैमिली मेम्बर ने पूछा था कि व्हाट दे आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू सील, द गर्ल और द कार, बिकॉज कार से ज़्यादा उन्होंने उस गर्ल के ऊपर ही फोकस किया गया था. तो अगर आप लोगों को भी याद हो वो वाली एड तो यू कैन कोरिलेट कि सब लोगों को यही होता था और बाद में इट वॉज लाइक एवरीबडी वॉज मेकिंग फन ऑन दैट कि क्या मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू सील. तो सेम वे जाकिर हुसैन साहब ने भी मैंशन किया है कि उसमें मतलब सेम चीज़, तो ऐसी चीज़ें तो होती हैं.
अब बट आजकल का टाइम ही ऐसा है कि सब लोग चाहते हैं कि नॉट ओनली टू बी वेरी पॉपुलर अमंग्स ऑल दी पीपल और मीन्स अमंग द सोसाइटी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न, बट ड्रेसिंग सेंस तो बहुत चेंज हो गया है और बहुत मतलब बहुत ही सब लोगों का थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस चेंज है. और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ड्रेस नेवर मेक यू अ बैड पर्सन, बट इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती. चलो ओके जी, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. बाय बाय.